का चटचटा ब्रेकिंग में मालदीव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक मालदीव में टूरिस्ट की भारी कमी शुरू हो गई है, जिसकी आशंका भी जताई जा रही थी। भारत से टूरिस्ट मालदीव की बजाय अब लक्षद्वीप जाने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि जहां एक तरफ भारत के टूरिस्ट जो है मालदीव में अपनी होटल की बुकिंग लगातार कैंसिल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग लक्षद्वीप में धड़ाधड़ होटल और टूरिस्ट स्पॉट्स की बुकिंग करा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि लक्षद्वीप में मार्च 2024 तक की बुकिंग अब पूरी तरह से फुल हो चुकी है। तो भारत से पंगा लेकर मालदीव को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ चाइनीज टूरिस्ट मालदीव नहीं जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में विपक्ष के नेता राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार उखाड़ फेंकने में जुट गए हैं। ऐसे में हालात बहुत जल्द मालदीव में रोटी के लाले पड़ते हुए नजर आते हैं। जब किसी देश की मौत आती है तो वो चीन की तरफ भागता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की तुलना उस गीदड़ से की जा रही है, जिसके बारे में हिंदी में बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। फर्क बस इतना है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन की तरफ भागे हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मोइजू ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करके जिहादी मानसिकता के कब्जे में आकर भारत से दुश्मनी और उस चीन से दोस्ती कर ली है जहां उइंगर मुसलमानों को अब जीने का भी अधिकार नहीं है। मोइजू मालदीव्स के कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं और उस चीन से दोस्ती गांठ रहे हैं जिसने उइंगर प्रांत में मुसलमानों की मस्जिदों के गुंबद ही उड़वा दिए हैं। उइंगर मुसलमानों को चीन यातना शिविरों में रखता है और उइंगर महिलाओं पर भी जुल्म ज्यादतियां करता है। लेकिन अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए और चुनावी राजनीति के लिए अब मोइजू ने मालदीव्स को चीन के खूनी दड़बे में घुसेड़ दिया है। मोइजू के चीन दौरे पर चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स काफी खुश है और वो इस मौके का इस्तेमाल भारत पर तंज कसने के लिए कर रहा है। किस तरह से ग्लोबल टाइम्स ने भारत विरोध करके दुनिया में अपनी हंसी उड़वाई है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मोइजू की चीन यात्रा की। भारत के साथ चल रहे राजनयिक विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। राष्ट्रपति मोइजू 5 दिनों के चीन दौरे पर हैं, जहां उनका जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है और मोइजू को 21 तोपों की सलामी दी गई है। चीन समर्थक माने जाने वाले मोइजू का चीन दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत के साथ मालदीव का राजनयिक विवाद चल रहा है। दरअसल मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों पर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। मालदीव के एक नेता जाहिर रमीज ने पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में लिखा था, अच्छा कदम है लेकिन हमसे मुकाबला करने वाली बात भ्रम पैदा करती है। भारत के लोग इतने साफ कैसे हो सकते हैं, उनके कमरों से बराबर बदबू आती है जो इस राह में बड़ी रुकावट है। मालदीव के नेताओं की इस तरह की टिप्पणी से भारी विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद मालदीव सरकार ने खुद को नेताओं के बयान से अलग कर लिया और कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव के ट्रेंड के बीच मोइजू ने चीन से अपील की है कि वो अधिक से अधिक चीनी पर्यटकों को मालदीव भेजे। यानी अगर देखा जाए तो भारत से मालदीव्स को ऐसा झटका लगा है कि वो अब चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है और मदद की भीख मांग रहा है। मंगलवार को फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मोइजू ने कहा, कोविड से पहले हमारे देश में सबसे अधिक पर्यटक चीन से आते थे। मेरा अनुरोध है कि चीन को ऐसा करने के लिए फिर से अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने चीनी दौरे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मालदीव के लिए काफी अहम है और मालदीव भी आने वाले समय में BRI के तहत चीन के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छुक है।
भारत BRI प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में BRI के तहत चल रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन के इस प्रोजेक्ट पर ऐसे आरोप भी लगते हैं कि इसके जरिए चीन आर्थिक रूप से कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। इस विवाद के बीच मोइजू के चीन दौरे की भारतीय मीडिया में जो कवरेज चल रही है उस पर टिप्पणी करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीन के साथ मालदीव के राजनयिक और आर्थिक आदान प्रदान को लेकर इस तरह की झुंझलाहट मालदीव को लेकर भारतीय जनता के बीच छिपे अहंकार को दर्शाती है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत हमेशा दक्षिण एशिया के क्षेत्र को खुद से पिछड़ा मानता है। मालदीव और श्रीलंका जैसे देश कमोबेश भारत से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित भी है। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव्स ने चीन से भारी कर्ज लिया है। भविष्य में अगर कर्ज समय पर नहीं वापस हुए तो मालदीव के आइलैंड भी चीन के हाथों में जा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की GDP करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जबकि मालदीव के बजट का 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। लेकिन दूसरे देशों की जमीनों को हड़पने की लालच में ग्लोबल टाइम्स अभी मालदीव्स के लिए बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है और भारत को मालदीव्स के दुश्मन की तरह पेश करने की झूठी कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है, दूसरे देशों के साथ ऐसा व्यवहार करना मानो वो भारत के अधीन हो एक विकृत मानसिकता है। दूसरे देशों के साथ मालदीव के सहयोग और कूटनीति में भारत के भू राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने का कोई कारण नहीं है।